इसका गलत प्रयोग किया है। हमने तुम्हें ये शक्ति अपनी सुरक्षा के लिए दी थी। यदि इसका प्रयोग दूसरों का नाश करने के लिए किया जाएगा तो वो स्वयं तुम्हारे विनाश करते। बार बार ये कहते हुए कि तुम लोग इस अनूठे भरूचे बालक को मार नहीं सके। क्षमा करे राजन, हमने अनेक उपाय किए कि प्रहलाद का वध कर दे, किंतु न जाने कौन सी अज्ञात शक्ति इसकी रक्षा करती है। हमने इसे आग में जलाया, पहाड़ से गिराया, किंतु हे राजन, हम इसका पुरुषा बिगाड़ सके। हम बहुत लज्जित हैं। मूर्ख, तुम बहुत उद्दंड हो गया है। तूने मेरी अनंत शक्ति को चुनौती दी है। मैं अभी तुझे यमपुरी पहुंचाता हूं। अब मैं तेरा काल बनकर तुझे धूल में मिलाता हूं। तू किसके बलबूते पर इतना घमंड कर रहा है? उसके बलबूते पर जो सबका बल है। पिताश्री, आपको भी वही बल देता है, न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों का बल भी केवल वही है। पिताश्री, भगवान श्री हरि बड़े ही दयालु है, इसलिए अब भी समय है कि आप अपना अभिमान त्याग कर उनकी शरण ले लें। वे अवश्य आपके अपराध क्षमा कर देंगे। आप क्रोध का त्याग करें पिताश्री। इतनी छोटी सी आयु में इतनी लंबी शिफा। अरे, अभी तक तो मेरा खान जितना ऊंचा भी नहीं हुआ और मुझे शिक्षा देने लगा। पिताश्री, आप फिर भूल कर रहे हैं। आप जिसे मेरी छोटी सी आयु कहते हैं वो मेरी नहीं, मेरे इस शरीर की आयु है। पिताश्री, मैं इस शरीर के अंदर आत्मा रूप में वास करता हूँ, उसकी आयु तो अनंत वर्षों की है। तो खराब है। और फिर जिसे मैंने आत्मा कहा है वो भी अंतिम सत्य नहीं है। आत्मा तो परमात्मा का भी प्रतिबिंब मात्र ही है। उस दृष्टि से भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है।
अवश्य है, परंतु इसका अर्थ बहुत सीधा है। अर्थात ये कि माया की दृष्टि से चारों ओर जो अलग अलग रंग, अलग अलग चेहरे, अलग अलग प्राणी हम देखते हैं, वो सब अलग अलग नहीं है, वो सब एक ही है, राधा और कृष्ण। इस संसार में जो कुछ है, जो हुई है, वो केवल राधा और कृष्ण ही है। राधा और कृष्ण के सिवा इस संसार में और कुछ नहीं है। एक चीज है। वो क्या? प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम, उसके बिना तुम्हारा संसार किसके आश्रय पर टिकेगा? कितनी सत्य बात कही और कितनी सुंदर बात कही है तुमने। हमारे इतने लंबे चौड़े तर्क को एक शब्द से ही हटा दिया तुमने। आज हम फिर हार गए राधा। तो भगवान ने हार मान ली? हाँ, एक प्रेम के आगे ही तो भगवान भी हारते हैं। तुमने सत्य कहा, प्रेम के बिना ये संसार कैसे टिकेगा? प्रेम के बिना तो ये संसार उजड़ जाएगा, वीरान हो जाएगा। क्योंकि प्रेम ही जगत का सार है और प्रेम ही इस सृष्टि का आधार भी है। तुम्हारे मन कच्चे।